बाकी एक रोस्ट वीडियो बना देते हैं टॉपिक बताओ सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट यूट्यूबर तो अभी एक यूट्यूबर है बॉलीवुड वाला जो मूवीज का रिव्यू करते हैं तो उन्होंने अभी डंकी का रिव्यू किया था जहाँ पर वो डंकी की मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे आप पहले वीडियो देख लीजिए एक्सपेक्टेशन था लेकिन पता नहीं सबसे पहली बात तो वो जो ट्रेडमार्क ह्यूमर होता है ना राजकुमार हिरानी साहब का वो ट्रेडमार्क ह्यूमर इसमें नजर नहीं आया यार द कॉमेडी द ह्यूमर द वन लाइनर्स द जोक्स वे नॉट दैट फनी यार उतना हंसने को आया ही नहीं यार waiting waiting अभी हसुंगा, अभी हसुंगा, अभी यार आई आई जस्ट वेटिंग वेटिंग एंड अभी 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 हंसूंगा हंसूंगा हंसने आएगा नाउ विल लाफ लेकिन वो लाफ आउट लाउड मोमेंट आया ही नहीं यार सी अगर आप देखोगे दे हैव ट्राइड टू मेक दो सीन्स फनी जो भी सीन्स है चाहे विकी कौशल का सीन हो विक्रम का सीन हो शाहरुख खान का सीन हो तापसी का सीन हो वो फनी एलिमेंट मतलब वो खाने का कोशिश किया कि यार इट्स फनी बट वो फन इतना उभर के नहीं आया यार इट वॉज नॉट फनी एट ऑल यार हंसने को आया ही नहीं यार तो वहां

trailer indicates that is what shahrukh khan is indicating dosto and let me tell you dosto heartwarming to see shahrukh khan as the gentleman that we know in this trailer and that is what he will be in the film as well absolutely brilliant will be shahrukh khan and dosto shahrukh khan playing his age it's you know that time span from young to old so so refreshing so next update is about amir khan वेल ऑल यू नो चेन्नई का सिचुएशन अभी बहुत ही खराब चल रहा है ड्यू टू हेवी रेन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अभी एक न्यूज आई है कि आमिर खान भी चेन्नई में फंस गए थे जहां पर चेन्नई के फायर और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के द्वारा उन्हें रेस्क्यू किया गया सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट रोहित शर्मा वेल ऑल यू नो रोहित शर्मा और विराट कोहली और बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन्हें अभी ब्रेक दिया गया आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 लेकिन अभी एक न्यूज आई थी कि रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने कहा है कि आप आगे भी इस टीम को लीड कीजिएगा कि रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से बात की है और वो कहते हैं कि अगर आप मुझे वर्ल्ड कप 2022 में सेलेक्ट करने वाले हैं तो आप मुझे अभी बता दीजिए वैसे रोहित शर्मा को टी वर्ल्ड कप लीड करना चाहिए कि नहीं आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट आशीष चंचलानी तो क्या यूट्यूबरों में ईगो आ गया है वेल well, इसी चीज को लेकर आशीष चंचलानी ने एक ट्वीट किया जहां पर वो कहते हैं मैंने अभी तक जितने भी इवेंट्स अटेंड किए हैं यूट्यूब पार्टीज के एंड यूट्यूब के रियूनियन ने मुझे हमेशा शेयर किया जब मैं कैरी स्काउट ट्रिगू मिथपैट स्ले पॉइंट तन मैं इन सब से मिलता हूँ द वाइब इज स्टिल द सेम एब्सोल्युटली रियल एंड वो आगे कहते हैं मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि अभी तक मैंने किसी में भी कोई भी ईगो सेंस नहीं देखा है और ना ही कोई सुपरफिशियल बिहेवियर देखा है और ये मुझे बहुत रिलीफ पैदा करता है कि हम में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है मैं बाकी पार्टियों के बारे में नहीं बता सकता देन उसके बाद किसी का रिप्लाई आता है वैसे ईगो नहीं दिखा क्योंकि आप खुद से ऊपर हैं सबसे तो आपसे थोड़ी ही ईगो दिखेगा वो दिखता है जब हम जैसे लोग होते वहां पर इंटरेक्ट करने की कोशिश करते एनी वे वेरी इंस्पायर्ड बाई योर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अमेजिंग एंड देन उसके बाद आशीष चंसलानी रिप्लाई करते हैं अरे मेरी जान ऐसा नहीं है जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 में तो मुझे तीन साल लगे फुटिंग जमाने में तब भी भुवन और कैरी से एब्सोल्युटली सेम रिस्पेक्ट विद मी बोथ ऑफ देम ऑलवेज रूटेड फॉर मी एंड ऑलवेज अप्रिशिएट मी एंड आई वॉज इवन एट ट्वेंटी एंड थर्टी हंड्रेड के सब्सक्राइबर जब मैंने उनसे बात की थी नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट चाय। सो अजमेर में रहने वाले हमेशा से ही ऐसा इको फ्रेंडलीस बिल्डअप करना चाहता था और वो अक्रॉस कंट्री में भी इसे सेल करते हैं 45 की वो मदद भी करते हैं फॉर देयर बिजनेस सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट सलमान खान सभी so, रिसेंटली कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान बेंगोल सी एम ममता बनर्जी से मिलते हैं जहाँ पर ममता बनर्जी जी बताती कि मेरा मुंबई में सिर्फ एक घर है जहाँ पर एक रूम एक बेडरूम और एक किचन है एंड देन सलमान खान रिप्लाई करते हैं आई एम जेलिस इतनी बड़ी पोजीशन होने के बावजूद भी आपका मुंबई में सिर्फ एक स्मॉल हाउस है और वो आगे कहते हैं और ये चीज दिखाता है कि पीपल कितने सिंपल होते हैं और हमें किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं होती है सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट गुजरात सो so अभी गुजरात में एक पचास साल के बैगर थे जो भूख के कारण उनकी डेथ हो गई जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया लेकिन आफ्टर डेथ जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उनकी जो डेथ थी वो भूखे रहने के कारण हुई थी शॉकिंग न्यूज ये है कि उनके पास से एक लाख चौदह हजार रुपए मिले हैं और पता नहीं उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया जब उनके पास इतने पैसे थे गॉड में ब्लेस हिम रेस्ट इन पीस सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट रेपिडो सो रेपिडो कंपनी ने भी ऐसा ओला और उबर कंपनी जैसे एक लाख कार्स के साथ मार्केट में उतरने वाली है विथ फाइव हंड्रेड मॉडल के साथ जहां पर उन्होंने ओला और उबर को बीट करने के लिए एक नया मॉडल तैयार किया है जहां पर वो ड्राइवर को दस हजार रुपए कमाने पर ओनली फाइव हंड्रेड रुपीज लेगी एज अ फीस वैसे ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है सो नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट मनोज दे सो रिसेंटली मनोज दे ने यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर वो शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो के बारे में कुछ बातें बताते हैं कि यूट्यूब जो है वो शॉर्ट्स वीडियो को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं वो क्या कहे आप देख लीजिए वाले चैनल पर जब लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ एक लाख तीस हजार व्यू एक पच्चीस एक इकतालीस नब्बे हजार में रुका हुआ एट्टी सेवन सॉरी सेवेंटी एट के में रुका हुआ है ठीक और अब जब से मैंने शॉर्ट्स डालना शुरू किया अब देखो व्यूज मतलब यूट्यूब अब क्या बोलिएगा बताइए तीन सौ सैतीस एक सौ के पांच के देख रहे हो एक सौ बिरानवे एक सौ अंठावन तीन ये तो कल डाला था ये भी कल डाला एक ये आज डाला अभी जस्ट शॉर्ट्स में इतना भर भर के व्यूज आ रहा है क्या ही बताए आप लोग बोल रहे हैं ये सब वीडियो क्यों बना रहे हैं यही बस यही रीजन से बना रहे हैं यूट्यूब खुद चाह रहा है है कि ऐसा ही ही वीडियो बनाइए यही चल रहा आज के डेट में ठीक है तो जो देखना चाहता है सोशल मीडिया का रूल है ऑडियंस जो देखना चाहता है वही दिखाओ जो चल रहा है उसी के साथ चलो अदरवाइज आप बहुत पीछे छूट जाओगे देख रहे हो ना ऐसे ही चल रहा है भाई कुछ वेल्यूबल कॉन्टेंट बनाओ कुछ नहीं होना है हंसाओ लोगों को देखिए व्यूज तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा यू यू टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग नेक्स्ट वीडियो थैंक